नमस्कार, मनु देलसरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो आपके सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई है 28 को, जीके का फर्स्ट पेपर हुआ है, उसकी आंसर की है ये। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो आंसर है गुर्जर प्रतिहार। संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया था? तो राजा मान सिंह को दिया था। निम्नलिखित को सम्मिलित करना था जिसमें सिर क्या है, सिर में मेमंद, फिर गले में हंसली, कमर में पहना जाता है कणकति और पैर में पहना जाता है रिमझोल। ये इसमें चौथा नंबर का आंसर राइट सही है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्यौहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाना है? तो इसमें आएगा सबसे अंत में, सबसे प्रारंभ होती है गणगौर, उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद में दीपावली, फिर आती है गणेश चतुर्थी। तो इसमें ए वाला राइट है। सातवां क्वेश्चन है कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो ब्यावर में बादशाह का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कालीबंगा चूरू, बाकी आहाड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में और बैराट जयपुर में है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो चारुमती से विवाह करने के कारण। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था उसमें। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो पहला ही है छगन लाल चौपासनीवाल। बारवा क्वेश्चन सम्मिलित करना था जिसमें रामस्नेही संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तक, इसमें पहले में आएगा दूसरा संत हीराराम दास, सिंह सिंहथल संत हीराराम दास, रेण क्या है संत दरियाव, खेड़ापाव क्या है संत रामदास, और शाहपुरा संत रामचरण। तो दूसरा पहले में था, सेकंड फोर थर्ड वन। अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ज्वाला माता का मंदिर तिलवाड़ा, ये वाला सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोग देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वीर कल्ला जी। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला सम्मिलित नहीं था। छिदित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? घोड़ला। इसमें जो ग्रीन कलर वाले हैं वो वाला राइट आंसर की है। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो हाकिम खां सुर। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उमादे। निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है तो हमीरहट चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का है, और कन्नड़ दे प्रबंध पद्मनाभ विद पृथ्वीराज विजय जयानक, ये सभी लिखे हुए हैं। सोम एक सहायक नदी है माही की। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? तो बागड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी पवन का उदाहरण नहीं है? तो जोंडा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो माही नदी हसदो। सूची फर्स्ट सूची से केंद्र को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना था। तो इसमें पहले में आएगा तीसरा यानी चैलेंजर कटक कहाँ पे है? दक्षिण अंटार्कटिक महासागर में, और एल्बाट्रोस कॉर्डिलेरा ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, एजोर द्वीप है, एजोर द्वीप कहाँ पे है? तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, और क्यूरियल द्वीप है उत्तरी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है? तो नेशनल चंबल सेंचुरी ये है। इसमें ए बी और सी ये सभी सही है। मुकुंदरा ये नेशनल चंबल सेंचुरी ये नहीं है, बाकी मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर और केवलादेव घना ये सभी क्या है? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें ए बी और सी सही है। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह कौन है? तो परिभ्रमण की वजह से होता है। इसमें भी जलमहल झील, जलमहल झील कहाँ पे है? जयपुर में है। पाड़ूपोल जलप्रपात है अलवर में। लूणकरण झील है बीकानेर में, और फतेह सागर झील कहाँ पे है? फतेह सागर झील है उदयपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो पांडुचेरी का। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो एक दो और चार इसमें से है सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? तो 23-3 से उत्तरी अक्षांश से लेके 30-12 उत्तरी अक्षांश। 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक था? तो एशिया के साथ। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दक्षिणतम प्रदेश की। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्शियन काल में हुआ था? तो यूराल पर्वत श्रेणी का। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम मुद्दा है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर कितना है? तो है 919। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 45.8% है। होकाइडो तथा होन्सू विभाजित होते हैं सुगारो जल डमरू मध्य से। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है तो निम्बाहेड़ा। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अधिकतम राशि कितनी है? 3 लाख रुपये। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू किया गया? 21 मार्च 1994 को। नेक्स्ट देखो ई सचिवालय है। ई सचिवालय एक सॉफ्टवेयर है। इसमें आंसर गलत लगा दिया गया है। 42वें में चौथा आंसर राइट है, एक सॉफ्टवेयर है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान दिया गया था? तो पारसियों को। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन सा राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो रघुकुल तिलक। नेक्स्ट आता है कि 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? तो भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते से संबंधित है। शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभावी नहीं लाए। नेहरू अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? तो विदेशी आर्थिक गठबंधन के। नेक्स्ट आता है अपना 47वां क्वेश्चन की मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है? यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है सितंबर 2018 तक 14 वर्ष तक। सूची ए सूची दो को सम्मिलित करना है तो इसमें भैरव सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खान, सरदार जोगिंदर सिंह, मोहन सुखाड़िया, डॉक्टर संपूर्णानंद, वसुंधरा राजे, मदनलाल खुराना। तो इसमें 1, 2, 3, 4 क्रमवाइज ही हैं। वर्तमान राज्य सरकार में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह कौन सा है? तो वर्तमान राज्य सरकार 2013-2018 में रहे मुख्य सचिव कौन कौन से हैं? राजीव महर्षि, CS राजन और अशोक जैन। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी आयोग के सदस्य रहे हैं? तो B. शिवारमन। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारें। अगर हमारे संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं मतदाता सूची में दर्ज ग्राम सभा के सभी निवासी। निम्नांकित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत के राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदेश शक्तियों को हस्तगत करता नासा बन जाता है? तो William O. Douglas के द्वारा। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर B. R. अम्बेडकर नहीं है? तो V. D. People। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया? तो रजनी कोठारी। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें राम मनोहर लोहिया अपवाह सिद्धांत ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो संसदीय कार्य मंत्री होता है मुख्य सचेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां की राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं अपने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायती राज से। परमाणु अपसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया जून 1968 में। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो सदन के नेता कौन नहीं रहे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ब्लैक स्किन वाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेज फिनोन है। अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गाँवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया है? तो 599। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो जेवलिन थ्रो से है। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अंकुरित भंडार मिले हैं? तो ये बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन दो जिलों में स्वर्ण भंडार होने के अनुमान हाल ही में व्यक्त हुए हैं? तो उदयपुर और बांसवाड़ा में। अपूरी, चंदेला और ओम प्रकाश में थारवाल का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है।
प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ है? तो उदयपुर में संपन्न हुआ है। मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए? तो जैसलमेर से। प्रदेश का पहला डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? सीकर में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बामासा टेक्नो हब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जयपुर में किया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो ये मुझे ध्यान नहीं है, शायद आई थिंक 2013-2014 होगा, तो कन्फर्मेशन नहीं है इसका, इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि न्यूनतम रही है? तो तृतीय योजना। निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? तो विदेशों से प्राप्त आय से। तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-05 में 2011-12 के बीच भारत के किन राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई गई है? तो राजस्थान का नाम आता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन की सापेक्षिक योगदान घट रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, बढ़ रहा है। बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? समस्याओं से बचने के लिए सलाह हम कभी नहीं देंगे, तो ये वाला राइट है। धीमे गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उपचारात्मक शिक्षण। और इसमें आंसर ये 2 वाला भी राइट हो सकता है, त्वरण या गति वर्धन। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथे में डाउट है। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है? तो अनुभवात्मक। बाकी सभी अवधानात्मक, धारणात्मक और अभिप्रेरणात्मक, ये सभी हैं, इसमें अनुभवात्मक है, ये वाला नहीं है। और इसमें देखो मनोविश्लेषण किसने दिया है? मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड। व्यवहारवाद के कौन है? सी एल हेल। गेस्टाल्ट के कौन है? अपने मैक्स वर्दिमर है। और निर्मितिवाद के अपने वाइगोत्स्की, ठीक है, विगोत्स्की लिखा हुआ लेकिन वाइगोत्स्की हैं ये। तो इसमें राइट होगा, पहले में आएगा सी, दूसरे में आएगा ए, तीसरे में आएगा डी और चौथे में आएगा बी। एच सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकार और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है, तो ये मैंने पढ़ाया भी था। प्रारूप सिद्धांत प्रकार सिद्धांत है। बुद्धि के त्रिरत्नीय ट्राईआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के सिद्धांत का विकास किया है तो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो विकास एक संचयी प्रक्रिया होती है। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह सोचने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ है। तो यह सर्वोत्तम उदाहरण किसका होता है? केवल बाह्य प्रेरणा का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? तो समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। टोरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो एक लंबी कविता याद करना। बालक जो अपने विद्यालय में अपना अच्छा कार्य नहीं करता है तो प्रायः अपने अध्यापकों की आलोचना करते हुए समायोजन की यह आंतरिकी क्या कहलाती है? तो प्रक्षेपण कहलाती है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ होता है बालक और विद्यार्थियों को समझना। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायक करना है, इस प्रकार का अधिकतम अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो आनुक्रमिक स्थानांतरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो यह एक सामाजिक विज्ञान है। पिछाण मावा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के समयों के बारे में सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है चौथा, प्रौढ़ के समय बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं, समान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए प्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, यह प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो सामाजिक। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की यह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है क्या कहलाती है? तो व्यक्तिक अध्ययन कहलाता है। 98 है कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण होता है सामाजिक निर्मितिवाद उपागम का। 99 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? तो बाल्य अवस्था में सबसे धीमी गति से होती है और सबसे तेज गति से होती है किशोरावस्था में। इसने गलत किया है, किशोरावस्था में सबसे बाल्यावस्था में सबसे कम होता है। केटल का सांस्कृतिक मुक्ति परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण क्या है? ये एक अशाब्दिक परीक्षण होता है। केटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण, ये मैंने करवाया भी है, ये अशाब्दिक परीक्षण होता है। तो पेपर आपका सरल था, बिल्कुल आसान था।
धैर्य से, अगर आपका नेक्स्ट पेपर कल या परसों में है तो आप जिसका भी जो मैथ से कर रहे हैं, किसी का भी हो, चाहे वो SST से हो, SST वालों का कल पेपर है तो आराम से करना, पेपर को 2-3 बार पढ़ें उसके बाद में आंसर दें, आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।